एशियन गेम्स के लिए जो इंडियन टीम सिलेक्ट की गई है उससे टीम के कैप्टन सुनील छेत्री सेटिस्फाइड नहीं है। छेत्री ने गुरुवार को कई मीडिया हाउस से इंटरव्यू में लगभग एक ही बात दोहराई है। छेत्री कह रहे हैं कि या तो हम एक मजबूत टीम एशियन गेम्स में भेजें या फिर हम कोई टीम ही मत भेजें। काफी हद तक छेत्री की बात इंडियन फुटबॉल के फैंस को पसंद भी आएगी और अधिकतर लोग इससे एग्री भी करेंगे। छेत्री ने सवाल पूछा है कि जब नरेंद्र गहलोत और सुमित राठी जैसे प्लेयर्स के साथ उनको खेले हुए जमाना हो गया तो ये आपस में तालमेल कैसे बनाएंगे। इसके अलावा छेत्री की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जब इस टीम के मोस्टली जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने आपस में बहुत अधिक साथ में फुटबॉल नहीं खेला है तो और इनको कोई ट्रेनिंग कैंप भी नहीं मिलने वाला है तो फिर सीधे मैच खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। भारतीय टीम को 16 सितंबर को ही एशियन गेम्स विलेज में एंट्री लेनी है लेकिन अभी यहाँ टीम को लेकर ही कश्मकश जारी है। छेत्री ने कहा है कि वो किसी भी क्लब पर आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन मुंबई सिटी एफसी, मोहन बागान और उड़ीसा जिन्हें एएफसी कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इनके अलावा हर क्लब एटलीस्ट दो प्लेयर रिलीज कर सकता था और वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर छेत्री ने सवाल पूछा है। छेत्री ने यह भी कहा है कि उनके क्लब के कोच खुश नहीं है लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु एफसी उन्हें अलाउ कर रहा है और उनके लिए अपने देश को रिप्रेजेंट करने से बड़ा कोई भी प्राउड मोमेंट नहीं होगा। छेत्री ने क्लबों से खिलाड़ियों को रिलीज करने की अपील भी की है लेकिन इसका कितना असर होगा ये किसी को नहीं पता। कितने शर्म की बात है कि एक इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आपके देश का सबसे महान फुटबॉलर हाथ जोड़कर क्लबों के सामने खड़ा है कि खिलाड़ियों को रिलीज करा सके और एक मजबूत टीम लेकर एशियन गेम्स में भारत का झंडा लहराने की कोशिश कर सके। FSDL को ये सोचना चाहिए कि एशियन गेम्स में जो टीम जाएगी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी और अगर वहाँ पर हमारा दावा कमज़ोर रहेगा तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। एशियन कप से पहले एशियन गेम्स एक अच्छा युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म है और अगर यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं तो सोचिए अगले साल की स्टार्टिंग में होने वाले एशियन कप के लिए अगर चीज़ें ऐसी रहीं तो फिर वहाँ क्या होगा, क्योंकि एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने में भी हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और अगर क्लबों का रवैया ऐसा ही रहा तो उस टूर्नामेंट से पहले भी चीज़ें बेकार कर दी जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इंडियन फुटबॉल से जुड़ी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।